बढ़ गई है। पांचवें चरण का चुनाव खत्म हो गया है और सात राज्यों की 51 सीटों पर हुए मतदान के बाद कुल 424 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ऐसे में आम लोगों के बीच सत्ता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसी चरण के बाद कांग्रेस और बीजेपी में सबसे ज्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है। वहीं महागठबंधन अपने प्रदर्शन को लेकर बेचैन नजर आ रहा है। ये चरण इसलिए खास है क्योंकि बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी के दरवाजे खोलती है, वही कांग्रेस को अपना आंकड़ा 100 के पार ले जाने का मौका भी देती है। 2019 लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण की 51 सीटों में से 40 सीटें एनडीए के पास हैं और यूपीए के पास हैं 3 सीटें, वही अन्य दलों के पास 8 सीटें हैं। प्रदर्शन के हिसाब से 4 चरणों के बाद 2014 में बीजेपी का आंकड़ा 190 था, क्योंकि महागठबंधन और क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई हैं। ऐसे में पांचवें चरण के बाद बीजेपी को 51 में से करीब 18 सीटें ही मिलने की उम्मीद है। पांचवें चरण के बाद बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं